हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एशा यंग आईएएस। फ्रेंड्स, आज से हम एसएससी सीजीएल के डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई टू। सबसे पहले मैं आपको तो डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाई टू वह नंबर जिसके एंड में लास्ट, जिसका लास्ट डिजिट या तो इवन होना चाहिए तो जीरो होना चाहिए, ये पहचान है टू से डिविजिबल होने का। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है 178, जिसका 53, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, जो कि टू से डिविजिबल नहीं है। बी ऑप्शन 7 है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन 5 है, ये भी नहीं है। एंड डी ऑप्शन 0, 0 डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शंस क्या रहेगा, डी। ओके, डिविजिबिलिटी हमने और भी आगे क्वेश्चन लिए हैं, डिविजिबल 2, 3 है एंड आगे भी है, जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं आगे बताते हैं हम जो भी रहेगा। तो ये इसका ऑप्शंस है, डिविजिबिलिटी का 0 यहाँ पे रहेगा ऑप्शंस, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका ऑप्शंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सेकंड। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सिक्स डिजिट नंबर्स 5, 4, 3, 2, 1 इज डिविजिबल बाई 9, वेयर ए इज अ सिंगल डिजिट होल नंबर, फाइंड ए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये डिजिट दिए गए हैं 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे ए का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे, और जो वैल्यू रहेगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी का फॉर्म क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 9 से डिजिट वही भी नंबर्स होते हैं जिसका होल नंबर, जितने भी डिजिट रहेंगे ऑल डिजिट, जैसे कोई भी नंबर मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 12, 2, 14, 15, 3, मैंने ये नंबर ले लिया, जितने भी डिजिट है ऑल डिजिट, इसका जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा होल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो लेट्स हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3। ओके, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 15, 18, यहाँ पे 18 है, 18 9 से डिविजिबल है, यस। तो ये होल नंबर्स भी 99 से डिविजिबल होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ए का जो है ना, यहाँ पे नंबर हमको फाइंड करना है और कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे जो होल नंबर जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा नंबर होता है। अगर यहाँ पे 0 करते हैं तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15 + 0, 15, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी पे, यहाँ 2, तो यहाँ ए का वैल्यू पुट करते 2, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 2, 17, 17 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी पे आते हैं, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15, 19, जो कि वो भी नहीं डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन लास्ट सी बचता है, तो हमारा लास्ट सी ऑप्शन रहेगा। फिर भी हम लोग देख लेते एक बार, 3 पुट करके, तो 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, 15 और 3, 18, तो यहाँ पे 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा 9 का, जो भी 9 और 3, आगे 3 के भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, 9 और 3 का जो भी डिविजिबिलिटी होता है ना, जितने भी नंबर्स रहेंगे, ये जितने भी नंबर्स ऑल डिजिट का हम प्लस करेंगे ना, उसके जो नंबर्स आएंगे लास्ट में, जो भी ऐड करेंगे, जो भी आएगा एडिशन उसका, वो नंबर्स ना 9 और 3 दोनों का सेम ही है, से डिविजिबल होगा, तो होल नंबर भी 9 और 3 से डिविजिबल होगा। तो ये था 9 और 3 का। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 7। ओके, सो यहाँ पे डिविजिबल 7, सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999। ओके, फिर उसने पूछा है विच इज डिविजिबल बाय 7, जो कि जो नंबर है ना वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं, डिवीजन करते हैं 999। ओके, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचा पर 9, 7 4 जा 28,
1 0 9, ओके 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या, सो मेरा रिमाइंडर कितना जीरो आ रहा है, हमारा जो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जो भी जितने हमारे नंबर्स दिया गया, जो हमारा फाइव डिजिट नंबर, सॉरी थ्री डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट, इसमें से अगर हम फाइव डिजिट करते हैं, डिजिट माइनस करते हैं, 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994, कोई भी नंबर अगर दिया है, कोई भी नंबर है, अगर उसका पूछ रहा है कि वह सेवन से डिविजिबल है कि नहीं, सबसे पहले सेवन से हम लोग डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो भी नंबर जो हमारा डिविडेंड रहेगा, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ये होता है डिविडेंड और ये होता है कोशेंट और ये होता है डिवाइजर और ये जो होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। सो हमारा जो रिमाइंडर आएगा डिविडेंड से माइनस जो करेंगे वो हमारा क्या आएगा, जो भी नंबर हमको कंप्लीटली हमको सेवन से डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले हमारा जो नंबर देगा उसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो सेवन से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 994 को, ओके 7 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 0 4 7 2 जा 14, सो ये पूरा नंबर जो है ना ये पूरा सेवन से डिविजिबल है, सो हमारा आंसर क्या रहेगा 994, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो जो भी नंबर्स दे रहेंगे हमको फाइंड करना है, कोई भी ऐसा नंबर दे ग्रेटेस्ट या लीस्ट थ्री डिजिट नंबर्स क्या है विच इज डिविजिबल बाई सेवन, तो लीस्ट थ्री डिजिट सपोज यहाँ पे दे 111, तो हम सबसे पहले इसको ये करेंगे, इसका डिविजन करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर से हम लोग डिविडेंड में से रिमाइंडर घटाएंगे, जो भी हमारा जो भी नंबर्स आएंगे ना वो सेवन से डिविजिबल होगा, ये हमारा फैक्ट है, ओके। सो हमारा ये फॉर्मूले से हमारा आंसर क्या है 994, ओके। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ओके 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वह नंबर है जो नंबर कोई भी नंबर हो जिसको हम p by q के फॉर्म में डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, बट रेशनल नंबर जो रेशनल p by q है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी लेके इन्फिनिटी तक बीच कोई भी नंबर हो सकते हैं, माइनस प्लस दोनों भी हो सकते हैं, ओके। बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अगर q का वैल्यू जीरो हो तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए रेशनल नंबर कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0.23333, ओके। सो अगर हमको पॉइंट हटाना है तो हमको यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए उतना हम लोग जीरो बढ़ाएंगे, 4 दिया गया है, 1 2 3 4, तो हम लोग हटाएंगे तो हमारा जीरो हट जाए, तो ये हमारा क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया मेरा, सो ये भी है रेशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं बी ऑप्शंस पे, सी में भी इस दिया है 0.05666, इसको भी सेम ऐसा करेंगे, पॉइंट हटाना तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स जितने भी न्यूमरेटर है उतना जीरो हम लोग बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर्स में, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, एक्सप्रेस हुआ, ओके। सो ऑप्शन सी पर आते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे रूट थ्री दिया है, क्योंकि रूट थ्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, रूट थ्री जो भी नंबर्स रूट थ्री में ऐसा कुछ आएंगे वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज रूट थ्री का जो भी वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली नहीं हम लोग को पता, एग्जैक्टली ये 1 4 समथिंग 1 4 ऐसा पॉइंट में आएंगे, तो वो क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि पी वाई क्यू जब कंप्लीटली 1 2 3 अगर इतना आता है तो हम लोग इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ एंड तक गया, मतलब इन्फिनिटी तक, आगे क्या वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता हमको, तो हमारा ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होगा, सो इसको हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही रहेगा, सेवन को भी हम लोग 7/1 कर सकते हैं, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया है, सो हमारा ऑप्शन ए के यही हमारा जो है ना रूट थ्री, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर होता है, ओके। सो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ओके क्वेश्चन नंबर 5, ओके द फाइव डिजिट नंबर 750088
is divisible by 4, how many values or a are possible? जैसा कि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर में ए की कौन सी वैल्यू रखेंगे जो 4 से डिविजिबल, तो 4 का डिविजिबिलिटी हम आपको बताते क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 का डिविजिबिलिटी वह नंबर्स होगा, कोई भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 का डिविजिबिलिटी वही नंबर होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, जो लास्ट का कोई भी नंबर रहेगा जिसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो होल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ये है डिविजिबिलिटी का 4 का फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे नंबर दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमको ऑप्शन पुट करना है, हमारा जो लास्ट का जो नंबर जो 2 डिजिट है वो 4 के फैक्टर होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए तभी होल नंबर 4 से डिवाइड, तो जब हमारा होल नंबर 4 से डिवाइड होगा तो हमारा हमको ए की वैल्यू निकालना है, हमको यहाँ पे ए की वैल्यू पॉसिबल कौन सा वैल्यू हो सकता है, कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो हमको यहाँ फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू हम लोग ए रखते हैं 1 रखते हैं तो 18 4 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, ओके सो ए 1 होगा नहीं, ऑप्शन ए होगा नहीं। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं 38 भी 4 का डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, सो 5 अगर रखते हैं यहाँ पर 58 भी 5 से डिविजिबल नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है, सो ये भी ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हमारा 4 लास्ट हमारा ऑप्शन 48 4 से डिविजिबल है, 14 × 12 = 48, सो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो हमको ए की वैल्यू है पूछना है, हाउ मेनी वैल्यूज और ए आर पॉसिबल, तो हमारा वैल्यू एक ही पॉसिबल है, यहाँ पे 4 रखेंगे तभी हमारा 4 से डिविजिबल होगा और तभी वही वैल्यू हमारा नंबर्स हमारा जो भी होगा हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे अगर 4 रखते वैल्यू तो हमारा 4 पूरा 48 डिविजिबल 4 से, तो हमारा आंसर क्या होगा 4, तो ये हमारा आंसर 4 सही रहेगा। डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर्स हो, जैसे 4 का मैंने बताया आपको लास्ट के 4 का है, सेम 4 की तरह 8 का भी है, 8 का भी लास्ट के यहाँ पे 2 डिजिट है, लास्ट के वहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए, जैसे हमने 1, 2, 3 जो 3 नंबर्स स्टार्टिंग के आगे कुछ भी कोई भी नंबर आगे से नंबर्स कुछ लेना नहीं है, जो लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो 8 से डिवाइड, इसे सेम इसका 4 का मैंने बताया लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए और लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे, तो ये 8 का फैक्टर होगा और जो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होंगे वो 4 का डिविजिबिलिटी होगा, सो ये हमारा आंसर 4 सॉरी डी रहेगा, 4 आंसर हमारा सही है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी ओके ओके सो ऐसा है हमारा ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं ओके बाय डिवाइडिंग 14528 बाय अ सर्टेन नंबर सुरेश गेट्स 83 एज ए कोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर व्हाट इज द डिवाइजर। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कोई भी अगर हम कोई भी नंबर्स हो मैंने इसको ए मान लिया बी मान लिया सी मान लिया और हमारा रिमाइंडर डी आता है तो फॉर्मूला एक है यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस डी विच इज ए क्या है डिविडेंड फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू बी हमारा क्या डिवाइजर डिवाइजर इंटू कोशेंट सी हमारा है कोशेंट प्लस रिमाइंडर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया पहले भी क्वेश्चन जो आए थे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है डिविडेंड अगर हमको डिविडेंड फाइंड करना है या कोई भी नंबर फाइंड हो करना है या डिवाइजर अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे डिवाइजर फाइंड हमको करना है तो हमारा ये 3 वैल्यू हमारा दिया हुआ है यहाँ पर ये हमारा डिविडेंड है ये हमारा कोशेंट और ये हमारा रिमाइंडर तो हमको वैल्यू क्या निकालना डिवाइजर की तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग फॉर्मूला में जैसे लिखते हैं हमारा डिविडेंड कितना दिया है 14528 इज इक्वल टू डिवाइजर हमको फाइंड करना है हमको डी आई वाई से लिख दिया इंटू कोशेंट कितना दिया हुआ है 83 एंड प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 3 तो हमको ये निकालना है तो हमारा ऐसे भी कर सकते हम लोग डिवाइजर इंटू 3 इज इक्वल टू 14528 - 3 ओके डिवाइजर इज इक्वल टू 14525 माइनस करेंगे 25 बाई 3
डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे इनटू हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको ये करते हैं डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा ओके सो सॉरी हमारे यहाँ पे कोई 83 दुआ हो, 83 हमारा दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 83 है, तो हमारा 83 यहाँ पे सॉरी। सो फर्स्ट बार जाकर हम यहाँ पे ये करते हैं डिवाइड करते हैं 1 4 5 2 8, 83 डिवाइड करते हैं 1 83 2 2 2 ओके कितनी बार जाएगा ओके टू हो गया ओके 1 4 5 2 5 सॉरी। सो हम यहाँ पे कितना 83 सॉरी यहाँ पे 6 रहेगा ओके सो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 56 और 58 1 4 0 5 यहाँ पर आया तो हमारा कितनी बार जाएगा 5 5 5 3 ज़ा 5 15 5 1 5 8 ज़ा 40 प्लस 41। सो हमारा यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या आ रहा है यहाँ पर सॉरी हमको क्या पूछा है यहाँ पर 175 यहाँ पे हमको पुट करना है, यहाँ पे कितना आया 175, हमारा डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 175 आया, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 165 185 195, हमारा डिवाइज़र क्या आया यहाँ पर 175, तो हमारा ऑप्शन सी सही। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी ये टाइप का क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको टाइम बचेगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ओके फाइंड द यूनिट डिजिट व्हेन 4 टू द पावर 13 इज गिवेन ओके। हमको यहाँ का इसका यूनिट डिजिट हमको फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टू द पावर 13। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे रेज रहा जो पावर रहता है ना उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जितने भी अगर हम क्यूब का या सॉरी जितने भी हमारे स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है जैसे 2 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब सॉरी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जैसे हमने 2 का ले लिया 2 4 8 16, 2 का 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 32। सो हमारा यहाँ पे 4 बार 4 4 स्टेप पे हमारा ये रिपीट हो रहा वर्ड 1 2 3 4, जितने भी ऐसे आगे के जितने भी आएंगे ना वो 4 टाइम ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो अगर जो भी रेज यहाँ पे दिया हुआ है अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, चलिए करके देखते हैं, 13 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा 1। सो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है अगर आपका पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि हमने ये वैल्यू लिया है तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा हमको हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये वैल्यू सॉल्व किया ना हमारा जाके रिमाइंडर, तो सेम जो भी नंबर जितने भी आगे कितने भी जीरो हमको यूनिट डिजिट प्लेस कर फाइंड करना है, तो हमारा जो नंबर रहेगा जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका पावर बनेगा मीन्स रेज जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 है तो 1 तो इसका कितना आया 4। सो यहाँ पे 4 जो हमारा ये हमारा यूनिट प्लेस है यूनिट डिजिट है, तो अगर यहाँ पे समझो अगर कोई भी नंबर सपोज यहाँ पे अगर 3 आता है तो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, अगर 64 तो भी हमारा जो भी यूनिट हमको हमको यहाँ पे पूछा है यूनिट प्लेस हमको यूनिट डिजिट है हमारा तो यहाँ के आगे जितने भी नंबर्स आएंगे ना हमको इससे वैल्यू हमको कुछ नहीं लेना, हमको हमारा सिर्फ यूनिट डिजिट प्लेस करना, तो हमारा जो भी यूनिट लास्ट का आएगा ना हमारा हमको यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया 4 है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन से 4 है सी है, तो हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। जितने भी ए टाइम क्वेश्चन आएंगे जैसे पूछ लिया यहाँ पे 8 टू द पावर 75, तो जो भी इतने रहेंगे ना हम इसको 75 को डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा जो भी रिमाइंडर आया जितने भी 1 2 जो भी आया, तो ये जो लास्ट का जो डिजिट है 8 है, तो जो भी आएगा रिमाइंडर हमारा 8 टू द पावर r, जो रिमाइंडर हमको यहाँ पे तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 समझो स्टार्टिंग में, तो हमारा जो 5 आया जो हमारा यही आंसर हमारे यूनिट प्लेस सही, क्योंकि हमको यूनिट प्लेस फाइंड करना है यहाँ पे, तो हमारा आंसर सही रहेगा। तो ये टाइप क्वेश्चन थे, तो ये हमारा
ऑप्शंस कौन सा सी फॉलो करता है, तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ओके सो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8, द डिवाइजर इज 321, द कोशेंट 11 एंड द रिमाइंडर 260, फाइंड द डिविडेंड। दोस्तों हमने पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 समथिंग कुछ था, वहां पे सेम फॉर्मूला यही था। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, हमारा डिवाइजर दिया हो कितना, डिवाइजर 321, पूछा हमको डिविडेंड फाइंड करना, तो हम डिविडेंड को ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड 320 इंटू कोशेंट दिया हुआ हमारा 11, रिमाइंडर कितना है 260 है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 321 इंटू 11, 1 2 3, 1 2 3, 1 3 5 3, ओके 3531 प्लस 260, 260 हम ऐड करते हैं यहाँ पर, 1 6 3 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 2 7 3, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3791। तो हमारा डिविडेंड क्या आया है, डिविडेंड हमारा क्या है 3791, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर सही रहेगा। जितने भी ये टाइप क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहने, पहले भी हम बता चुके हैं ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो कितना भी कोई भी ये टाइप कितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ओके सो फाइंड द क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द यूनिट डिजिट व्हेन 2 पावर 89 इज गिवन। क्वेश्चन दोस्तों फ्रेंड्स हमने पहले भी आपको डिस्कस किया ए टाइप क्वेश्चन जितने भी थे, वो प्रीवियस जो क्वेश्चन था 4 to the power समथिंग कुछ था, और यहाँ पे सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे 2 to the power 89 दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 89 क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, चलिए करके देखते हैं। ओके 4 2 8 0 9, 4 2 8, रिमाइंडर कितना हमारा बच रहा है 1। तो दोस्तों ने बताया जैसे कि हमारा जो रिमाइंडर रहेगा, जो भी प्लेस जो भी यहाँ पे यूनिट प्लेस रहेगा उसका क्या बनेगा, पावर बनेगा। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे यूनिट क्या है हमारा 2 और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा 2 1 2, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, बी सही रहेगा। तो दोस्तों ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये फॉर्मूले से आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइनल क्वेश्चन 10। सो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे प्लस कर दिया, अभी कैसे करेंगे सॉल्व इसको मैं बताता हूँ। ओके सो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है हमारे यूनिट डिजिट क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे को ये नंबर लेते हैं जितने भी हमारा जो पावर्स के हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो लास्ट डिजिट आएगा उसको हम लोग प्लस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा जो प्लस करेंगे जो कोई भी नंबर आया जो लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं, पहले 87 657 में हमारा 87 है, तो हम सबसे पहले करेंगे 87 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 0, 4 1 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है 7, 7 2 रेज 3, तो कितना होगा 7 7 20 सॉरी 49 49 2 7 3 4 3, तो हमारे यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आया 3, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 3 है। तो हमारा ये तो हो गया पहले, सबसे पहले हम इक्वेशन इसको बनाते हैं, 6 5 दिया गया जो हम इसे लिखते हैं 5 8 9 to the raise of 23 एंड प्लस 2 2 8 57, तो हमारा इसका जो वैल्यू कितना आया है लास्ट प्लेस लास्ट डिजिट 3। ओके सो नेक्स्ट इस पे आते हैं, 589 को करते हैं हम लोग, 89 को हम लोग करेंगे 4 4 2 8 0 9, 4 2 8, हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके सॉरी 23 यहाँ पे दिया हुआ, हमको 23 करना है, हमारा रेज हमको ये करना है 89 ने हमको रेज पे ये करना डिवाइड करना है, तो जाके हमारा आएगा आंसर। तो 23 4 4 5 20, रिमाइंडर कितना है 0 सॉरी 3 आया,
तभी हमको सेम वही फॉर्म में करेंगे जैसे कि हमने पहला किया है यहाँ पे। तो हमारा यूनिट प्लेस यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 raise of 3। ओके सो हमारा आंसर क्या होगा, 9 9 9 9 9 9 9 89, 89 into 9 7 29। तो यहाँ पे यूनिट बेस क्या है, 9। ओके तो हम यहाँ पे 9 पुट करते हैं एंड प्लस फाइनल हमारा आया 57। 57 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4 1 17, 4 4 ज़ा 16 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1। और यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना, 8। तो यहाँ पे लेंगे 8 to the power 1, दिस इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 8। सो हम लोग यहाँ इसको एड ये करेंगे, एड करते हैं 9 3 12, 12 और 8 20। तो हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0। यहाँ पे 0 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो ये हमारा आंसर, जितने भी ये टाइप कितने भी यहाँ पे मल्टीपल रहे या कुछ भी रहे, तो जो भी नंबर आएंगे ना, सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिया है तो 3 into 9 into 18, 9 3 ज़ा 27 into 8, जो भी करेंगे जितने भी जो भी नंबर एक्स वाई जो भी नंबर, तो हमारा जो जेड रहेगा जना, हमारा यही यूनिट प्लेस रहेगा, हमको यही फाइंड करना है। और हमको आगे के जितने भी नंबर हमको लेना नहीं, कुछ लेना नहीं हमको, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस हमको बताना है। अगर 10th प्लेस तो 10th प्लेस हम बताएंगे, तो ये हमारा आंसर रहेगा। जो भी इतने टाइप जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, तो ये हमारा आंसर रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जिस फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और जिस किसी को भी क्वेश्चन को फ्रेंड्स को अगर किए क्वेश्चन समझ नहीं आए तो हमको कमेंट करें, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसको आंसर देंगे। जो भी जितने भी ये भी टाइप क्वेश्चन है कि आप सॉल्व करो, अगर नहीं है तो हमको कमेंट करो, हम लोग उसका बताएंगे जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं तक है। ओके थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।